हेलो। हेलो कंगना जी। यस इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, कोलार पुलिस स्टेशन से। आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। वो एक और डॉक्यूमेंट है, आरटीओ से आया है। इस पर भी आपके साइन चाहिए। आप शायद घर पे नहीं हैं। हाँ मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अपने लोअर लेक वाले फार्म हाउस पर हूँ। अगर आपको कुछ अर्जेंट है तो आप यहाँ आ सकते हैं। अर्जेंट ही है, ठीक है मैं आता हूँ वहाँ। प्लीज कम, आई विल वेट। जी बजानी चाहिए थी। बेल बजाई थी लेकिन दरवाजा भी बंद नहीं था। वैसे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे कोई वॉचमैन नहीं है, कौन आएगा इतनी दूर और क्या करेगा? राइट, आई एम सॉरी। पुलिस वाला हो ना, हर चीज पे शक करने की आदत सी है। एनीवे, ये आपके डॉक्यूमेंट्स, आप इसको पढ़कर साइन करके भेज सकती हैं। ओके मैं चलता हूं। थैंक यू। तुम्हें क्या लगा? मुझे मालूम नहीं है किसके बारे में बात चल रही है। पंकज भाई, बड़ा भाई मानता हूँ आपको। आज तक कोई भी काम आपसे छुपा के किया है मैंने? चलिए आप ही बताइए जो आपको ठीक लगे। काम बहुत रिस्की है, जोखिम भरा है। ब्लड रिपोर्ट बदलना कोई आसान काम नहीं है, मेरी नौकरी भी जा सकती है। ऐसा करो, 20 लाख मुझे दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पंकज भाई, 20 लाख बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 तक पॉसिबल है। उधर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 20 लाख कम ही मांग रहा हूँ। फिर भी 20 लाख मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो ना, तुम्हारी ना मेरी, 15 में डन करते हैं। पंकज भाई, बड़े भाई की बात कैसे टाल सकता हूँ। ये हुई ना बात, हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। Cheers। क्या सोच रहे हो उदय, क्या हुआ, चुप क्यों हो? आज मैंने पहली बार अपनी कंपनी से फ्रॉड किया है। उदय, ये सब तुमने किसके लिए किया? तुम्हारे लिए? मेरे लिए? या पैसे के लालच में? नहीं,
ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैं नहीं मानती। कसम से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग सचमुच किसी से प्यार कर सकते हैं? अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ अभी? अगर हो सके ना तो कभी प्यार से देख लिया करो, और मेहरबानी हो जाएगी कभी जता भी दिया करो। अच्छा क्या? Yes, sir, come in. Thank you, sir. क्या लाए हो? सर, ये विक्रम मल्होत्रा वाले केस की कंप्लीट फाइल है सर। वेरी गुड, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। ये आपकी कॉपी है, एक बार आप भी देख लीजिए। तुमने अच्छे तरीके से चेक की ना फाइल? हाँ सर, 100% जेन्युइन केस है सर, कोई लूप होल्स नहीं है। कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा सर। मिस्टर उदय, आई फील सॉरी फॉर यू। अगर कंपनी ये क्लेम देने से बच जाती ना, आपको भी बहुत अच्छा कमीशन मिलता। बैड लक। क्या कर सकते हैं सर। ठीक है सर, चलता हूँ। ओके। क्या है ये कोई खाना है? तुमने बनाया ये खाना? तुमने बनाया ये? मैंने तो रेस्टोरेंट से मंगाया है। कुछ अच्छा खाना बना के खिला नहीं सकती तुम मुझे? तुम्हें चढ़ गई है फिर से, बैठ जाओ। ठीक। क्यों बैठ जाओ? नहीं बैठूंगा मैं, नौकर हूं क्या तुम्हारा? देखो, मैंने तुम्हें पहले कितनी बार कहा है कि जब तुम पी लेते हो तो बिल्कुल पागल हो जाते हो। एंड देन आई डोंट लाइक यू टू मच। ओके, सही है। मैं क्यों पसंद आऊंगा तुम्हें? तुम्हें तो वो पसंद है ना, तुम्हारा विक्रम। मैं तो तुम्हारे लिए स्टेपनी हूँ, जब चाहा यूज कर लिया वरना फेंक दिया। तुम्हारे जैसी औरतें ना कभी किसी एक की नहीं हो सकती। पहले अपने पति को मरवा दिया, फिर मुझसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करवा दी, यू ब्लडी मर्डरर। उदय, यू जस्ट बी इन योर लिमिट्स, ओके? वरना क्या? हाँ? क्या बोला? वरना क्या? तेरे चक्कर में अपनी कंपनी से फ्रॉड किया, तो खाना भी नहीं खिला सकती। मतलब ये औरत बात नहीं करते। क्यों, कोई खास वजह? मेरे पिताजी कहते थे कि जो ज्यादा बात करते हैं वो सोचते कम है। वैसे आपको गाइडेंस किस चीज की चाहिए? डू यू लाइक मी?
जी मैं समझा नहीं। बनो मत, तुम पर अच्छा नहीं लगता। शादी हो चुकी है मेरी। मुझे पता है कि तुम मुझे किस तरह से देखते हो। जी हम आपको बहुत पसंद करते हैं। कंगना जी किसने किया है ये? क्या फर्क पड़ता है? वो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंट है। कंगना जी प्लीज सेव मी राजवीर। जी सर मेल भेजती हूँ। जी सर आपको कल तक मेल मिल जाएगा। या सर कोई दिक्कत नहीं सर। जी सर जी सर जी जरूर सर। Excuse me. Yes, sir. उदय सक्सेना से मिलना है। सर वो तो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। कब आएंगे? सर 2-3 घंटे में आएंगे। Okay. वो आए तो उनसे कहिएगा कि इंस्पेक्टर राजवीर सिंह आए थे कोलार पुलिस स्टेशन से। जी सर। अर्जेंट है। Sure. कहाँ से आए थे? कोलार पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राजवीर। ब्रिक्सन इंश्योरेंस। एनीथिंग एल्स सर? थैंक यू। अरे हवलदार साहब, राजू सर कहाँ मिलेंगे? अंदर। अंदर? हाँ। May I come in, sir? Come in. Sir, मैं उदय सक्सेना सर। जानता हूँ, बैठ जाओ। ठीक है सर। तो कैसे याद किया नाचीज को? मैं जानता हूँ तुम क्या करते हो। ब्रिक्सन सिक्योरिटी एजेंसी में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हो ना तुम? जी सर, काम है अपना, बताइए आप। तो तुम हर बार क्लाइंट्स की जिंदगी के साथ खेलते हो या इस बार कुछ नया है? समझा नहीं सर मैं। समझा नहीं? कंगना मल्होत्रा के साथ देखा है मैंने तुम्हें, कभी रेस्टोरेंट में, कभी मॉल में, कभी लेक पर, या फिर कभी उनके घर जाते हुए। लगता है बहुत नजदीकियां पड़ गई हैं। तो इसमें कुछ गलत है? पर्सनल लाइफ है मेरी। पर्सनल लाइफ? सर ये तो हैरेसमेंट है। ओए, वार्निंग दे रहा हूँ। वार्निंग? किस बात की? मैडम पे फिर कभी हाथ मत उठाना। सर मुझे पता नहीं है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और वर्दी पहन ली तो क्या कुछ भी करेंगे? हाँ पुलिस वाला हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। कंगना मैडम से दूर रहना। अंदर आओ। तो मैं चलूं सर? किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया है। एक्चुअली यू नो
हम दोनों के बीच में कुछ स्पेशल है, ऐसा लग सबको नहीं मिलता। हेलो हेलो मिसेस कंगना मल्होत्रा, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। ओके, आपके क्लेम का फंड ट्रांसफर हो गया है, तो प्लीज अपना अकाउंट चेक कर लीजिएगा। ओके श्योर। वाओ, दिस लुक्स ग्रेट राइट। Let me serve you. Nice. क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। वैसे इतना खुश मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ओह गॉड, तुम सोचते बहुत हो, एक्चुअली आई एम सो हैप्पी। पर तुम खुश क्यों नहीं हो? मैं भी खुश हूं। अच्छा अच्छा, अगर तुम खुश हो तो दिख क्यों नहीं रहे हो खुश? क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? वही जो तुम नहीं कर रहे हो, प्यार जता रही हूं। ओके, लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक, लेट्स सेलिब्रेट। चलो 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 चलो। अरे कम ऑन, तुम्हारा मूड अच्छा करना है मुझे। कम ऑन। बात है, आज बड़ी खातिरदारी हो रही है। आज तुम्हें सब कुछ माफ है उदय, अगर तुम नहीं होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेट्स सेलिब्रेट, कम ऑन। तुम तो जानती हो पीने के बाद मेरा क्या हाल होता है, वैसे भी दिन में कौन पीता है। सेलिब्रेशन में दिन और रात नहीं होता है, कम ऑन। Cheers! Cheers! Thank you.
कितना टाइम लगा दिया। I think we should dance. No celebration is complete without dancing. Let's go. Okay. अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। Love you, Kanna. कुछ बोलो ना, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। डरना तो मुझे चाहिए तुम्हारी इन खूबसूरत निगाहों से। यू आर सो ब्यूटीफुल। कुछ नया बोलो ना। ये तो कई लोग बोल चुके हैं। कोलार पुलिस स्टेशन वाला इंस्पेक्टर राजवीर भी। मतलब? बनो मत, इतनी चिंता क्यों करता है वो तुम्हारी? हाँ, यू आर हर्टिंग मी उदय। हर्ट तो तुमने किया है मुझे, मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को। छोड़ो मुझे। सो रही हो ना तुम उसके साथ? हाँ, सो रही हो ना तुम? छोड़ो मुझे उदय। पहले मेरी बात का जवाब दो। यस, सो रही हूँ मैं उसके साथ। यस, आई एम स्लीपिंग विद हिम। तेरी तो पैसे के लिए यूज किया मुझे। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसे? कैसे कर सकती हो? क्योंकि तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। तुम राजवीर का आधा भी नहीं हो। यू आर हाफ अ मैन एज राजवीर इज, ओके? तू नामर्द है। तू जाती कहाँ है? डबल क्रॉस करती है मुझे। नामर्द बोलती है मुझे, मुझे चैलेंज करती है। आज तुझे बताता हूँ उदय क्या चीज। सीधी रह। रुक क्यों गए? डर गए? डर गया? मैं डर गया? उदय डर गया? तुझे आज मैं बताता हूँ असली उदय। The number you dialed is not in service.
रुकिए जी, ये पुलिस वाला क्यों आया है? Yes, officer. How can I help you? क्या हो रहा है यहाँ? शिफ्टिंग हो रही है, क्यों? आप लोग कौन है? ओनर्स हैं इस घर के. हमारा घर है ये. कब से? 2 महीने पहले से. 2 महीने से? और यहाँ तो गंगना जी रहती थी. हाँ, उन्हीं से तो खरीदा है हमने 2 महीने पहले. क्या है कि वो चाह रही थी कि बेचने के बाद 1-2 महीने यही रहे, तो हमने रहने दिया, है ना जी? हाँ, बिल्कुल सही कहा. एनी प्रॉब्लम सर? नहीं, आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तो मेरी है. थैंक यू. यही गाड़ी थी? अच्छी तरह से पहचान? हाँ सब, यही गाड़ी ना? हाँ सब. पक्का? चल चल. जय हिंद सर. सर, वो ट्रक ड्राइवर मिल गया है. विक्रम मल्होत्रा एक्सीडेंट केस वाला. क्या करना है सर? उसको रिमांड पर लो, मैं आता हूँ. ओके सर. दीक्षित, फोटो. ये आदमी था साहब. मारना तो इसी आदमी को था साहब, लेकिन गाड़ी कोई और चला रहा था साहब, इसलिए मैं वहां से भाग गया साहब. मुझे छोड़ दीजिए साहब. शर्मा नाम का एम्प्लॉय था जो उस पुरानी कार में इंटरेस्टेड था. ओके. मैंने एक एनवेलप भेजा तुम्हारे नाम से कि विक्रम मल्होत्रा ने उसके लिए वो कार छोड़ी है. फिर उदय ने ट्रक ड्राइवर को एक्सीडेंट करने के लिए पैसे दिए और तुमने उदय को मेरा सारा रूटीन बता दिया. और कार में तो आग लगनी ही थी क्योंकि बोनेट में और बैक सीट में मैंने पेट्रोल के डब्बे छुपा कर रख दिए थे. और फिर मैंने तुमसे कहा था ना, आई कांट बी अ लूजर, ट्रस्ट मी. आई एम सो सॉरी. और हाँ, अपने सारे पैसे पनामा की शेल कंपनी में ट्रांसफर हो गए. थैंक गॉड. चलो. जय हिंद सर. सर, ये कंगना मैम देखे गए आपके लिए सर. क्या हुआ सर? लगता है चिड़िया उड़ गई. Thank you.